खट्टर आज करेंगे नामांकन, करनाल में हवन यज्ञ के बाद रैली को करेंगे संबोधित। घनौंडा में भाजपा से हरविंदर कल्याण को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। चुनावी अखाड़े में योगेश्वर का दांव, मिली वो सीट जहां बीजेपी की होती है जमानत जब्त। हरियाणा के मुस्लिम बहुल मेवात में बीजेपी का दांव, कमल खिलाने की कवायद। तीसरे दिन भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी, टिकटों पर हो रहा है मंथन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो करनाल विधानसभा सीट से पर्चा भरेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी खट्टर के नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। करनाल जिले के अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के सभी बीजेपी प्रत्याशी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ अपना नामांकन पत्र भरेंगे। इसके बाद करनाल में हवन यज्ञ के बाद रैली को भी संबोधित करेंगे। टिकट दिए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जैसे ही हरविंदर कल्याण को टिकट मिलने की सूचना कार्यकर्ताओं को मिली, वो कल्याण फॉर्म पर पहुंचे। जैसे ही हरविंदर कल्याण फॉर्म हाउस पर पहुंचे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से व बुके देकर किया। ढोल की थाप पर कार्यकर्ता झूमे और मिठाई बांटी। हरविंदर कल्याण को टिकट देने पर हरविंदर कल्याण व कार्यकर्ताओं ने भाजपा के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद किया। विधायक हरविंदर ने कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उन्हें वो बाखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में विकास का मुद्दा रहेगा, हमने हलके में रिकॉर्ड विकास कार्य करवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन के शीर्ष नेतृत्व का, खासतौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और सभी नेताओं का, जिन्होंने मेरे ऊपर दोबारा विश्वास जताते हुए मुझे मौका दिया है, और मैं पार्टी नेतृत्व को भी विश्वास दिलाना चाहूँगा और अपनी विधानसभा के सभी लोगों का भी मैं उनको विश्वास दिलाते हुए उनको ये कहना चाहूँगा कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 सालों तक हुआ है और जितना घरुंडा हल्के ने विकास किया है, वो विकास का क्रम इसी तरीके से जारी रहेगा और ईमानदारी से पूरे समर्पण भाव के साथ इसी तरीके से लोगों की सेवा करता रहूँगा, ऐसा विश्वास मैं दिलाता हूँ। ये हरविंदर कल्याण को टिकट मिली है, ये एक विकास कार्य को ऊपर मिली है। जितने भी इसने विकास कल्याण जी ने कार्य करवाए, कभी आज तक 40 वर्षों में इतने कार्य नहीं हुए जितने अब कार्य हुए हैं। हम टिकट दिलाने के ऊपर श्री मनोहर लाल जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ये भी विश्वास दिलाते हैं कि पहले से ज़्यादा वोटों से हम कल्याण जी को विजयी कराएंगे। मशहूर भारतीय पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त अब चुनावी दंगल में हाथ आजमाने उतर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 78 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में योगेश्वर दत्त का भी नाम है। योगेश्वर को सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट से टिकट दिया है। दिलचस्प बात यह है कि बड़ौदा ऐसी सीट है जहां बीजेपी कभी जीत नहीं दर्ज कर पाई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का गढ़ रही सीट पर बीजेपी की स्थिति बेहद नाजुक रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन क्षेत्रों में भी राजनीतिक तासीर बदलती नजर आ रही है जो कभी अलग राह पर नजर आते थे। इन्हीं में से एक इलाका है हरियाणा का मेवात है, जहां मोदी लहर में भी बीजेपी कमल नहीं खिला सकी थी। यही वजह है कि बीजेपी ने मुस्लिम बहुल मेवात की सियासी जमीन को उपजाऊ बनाने और इस इलाके में कमल खिलाने के लिए 2 दिग्गज मुस्लिम नेताओं पर दांव लगाया है। इसमें नूह विधानसभा सीट से जाकिर हुसैन और फिरोजपुर झिरका क्षेत्र से नसीम अहमद को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तीसरे दिन भी जारी है। बैठक में सीटों पर मंथन हो रहा है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मधुसूदन मिस्त्री, देवेंद्र यादव, दीपा दास मुंशी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा मौजूद है।
बैठक 11 बजे शुरू हुई थी। शैलजा भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहे। बैठक के बाद राज्य चुनाव समिति की चेयरपर्सन एवं प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक बार फिर साफ किया कि सिफारिशों की बजाय जमीनी स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाएगा। हरियाणा बचाओ कांग्रेस लाओ के नारे पर ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है।